हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टायर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि मारुति सुजुकी की कंपनी में जो कार आता है अल्टो के टेन, तो अल्टो के टेन का आपको टायर दिखाने वाले हैं। तो वो कौन सा कंपनी का टायर होगा और कैसा मॉडल होगा, कैसा पैटर्न होगा टायर का और कैसा वारंटी होगा और कितना 1000 किलोमीटर टायर चल जाता है और कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है टायर आपको, तो सब वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम इस चैनल में छोटे बड़े सभी गाड़ियों के टायर से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखा देते हैं आपके कार अल्टो के टेन का टायर। हाँ तो फ्रेंड्स, ये टायर है आपका मारुति सुजुकी कंपनी का अल्टो के टेन जो आता है, अल्टो के टेन का जो टायर आता है तो यही टायर है। तो सबसे पहले आपको इसका साइज दिखा देते हैं। ये साइज देख लीजिए, आप साइज दिख रहा होगा आप लोगों को, साइज देख लीजिए 155/65 R13 का टायर लगता है अल्टो के टेन में। और ये कौन सा कंपनी का टायर है आपको दिखा देते हैं पहले। ये JK कंपनी का टायर है आपको, JK कंपनी का टायर है ये। और इसका मॉडल नेम आपको दिखा देते हैं, मॉडल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टीमा न्यू के नाम से आता है ये टायर। अल्टो के टेन के लिए बेस्ट टायर होता है अल्टीमा न्यू। तो ये ट्यूबलेस टायर है जो, इसलिए इसमें ट्यूबलेस का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप ट्यूबलेस का लोगो है। और ये टायर में आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये सीरियल नंबर जो है 16-22, तो 16 जो है ये वीक है, ये 2022 का ईयर है, मतलब ये वीक है और ये ईयर है। तो मतलब 2022 में 16वां वीक में बना है, 16वां हफ्ता में ये टायर बना है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ 2022 का मैन्युफैक्चरिंग है। आपका वारंटी जो चालू होता है यही डेट से ही चालू होता है, यही डेट से। तो आप कभी भी टायर लेते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका पुराना डेट ना हो, 2020-21 का टायर ना हो, 2022 का ही करंट डेट का आपको माल लेना है, मतलब करंट डेट का ही टायर लगवाना है आपके कार में। तो आपको तो इसका मॉडल नेम और साइज़ दिखा दिए और कंपनी भी दिखा दिए। तो ग्रिप देख लीजिए आप इसका, कुछ इस तरह से है इसका ग्रिप, बहुत बेहतरीन ग्रिप है इसका, अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग टायर है ये जेके कंपनी के अंदर में। और अच्छा खासा माइलेज भी देता है ये टायर में। और इसका वारंटी की बात की जाए तो इसमें आपको वारंटी मिल जाता है 5 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 2 ईयर का अनकंडीशनल वारंटी, मतलब कि 2 साल के अंदर में आपका अगर टायर कहीं से कट फट जाता है आधा गोटी चटने से पहले तो टायर आपको चेंज करके देगा कंपनी। बस इतना ही है कि आप जितना गोटी, अगर जितना आपका ट्रेड घिस गया होगा, जितना आपका गोटी घिस गया होगा उतना ठोका आपको पैसा लगेगा, उसके बाद कंपनी आपको नया टायर दे देगा। बाकी 5 ईयर का जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है तो 5 साल के अंदर में 80% गोटी घिसने से पहले अगर आपका कहीं से टायर कहीं से फूल जाता है, एयर ले लेता है, तो कंपनी आपको चेंज करके देगा। तो वारंटी भी बढ़िया है, कटने फटने का भी वारंटी है और फूलने का भी गारंटी है। तो सब कुछ मिला के देखिएगा तो अल्टो के लिए सबसे बेस्ट टायर है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपको चीप इन बेस्ट होने वाला है ये टायर आपको अल्टो कार के लिए। जेके कंपनी का टायर है जो कि अपना इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छा टायर बनाता है, इंडियन ब्रांड है अपना जेके का टायर, 2 व्हीलर से लेकर के ट्रक बस सब गाड़ी के लिए ये टायर बनाता है, कार के लिए भी तो बनाता ही है। तो टायर अगर अपना कार में अगर लगवाना चाहते हैं अल्टो के टेन में तो आप जेके का ये टायर ज़रूर लगवाएं। और क्योंकि हम ये टायर बहुत सारा सेल कर चुके हैं, अब तक कोई शिकायत आता नहीं है, बहुत बेस्ट टायर है, तो हम तो यही कहेंगे कि टायर आप जेके का ही लगवाएं। और इसमें वारंटी बढ़िया है और सर्विस भी बढ़िया देता है। अगर आपको क्लेम, अगर जैसे आपका अगर टायर कहीं से फूल जाता है, अगर कट फट भी जाता है तो आप कंपनी में देते हैं तो हैंड टू हैंड रिप्लेस आपको दे देता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय लग सकता है आपको चेंज करने में, या नहीं तो जैसे आप दूसरा कंपनी का टायर लीजिएगा MRF वगैरह तो उसमें आपको वारंटी में दिक्कत आ जाता है। वारंटी में सबसे पहली बात है कि MRF का टायर लीजिएगा तो उसमें आपको कटने फटने का वारंटी देगा नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देता है सिर्फ फूलने का, तो आपको उसमें तो लॉस है ही। तो जेके टायर में तो कटने फटने का गारंटी है। दूसरा बात यह है कि आप अगर सीएट और अपोलो का टायर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका अगर टायर कहीं से कट फट गया तो कटने फटने का गारंटी सीएट और अपोलो में तो है, लेकिन उसका सर्विस बढ़िया नहीं है। अगर आपका टायर कहीं से कट जाए फट जाए तो आप अगर क्लेम में देते हैं तो टायर में आपको 1 हफ्ता से लेकर दो से 3 हफ्ता भी समय लग सकता है क्लेम पास होने में, मतलब टायर रिटर्न आने में।
तो इससे बढ़िया होगा कि आप जेके का टायर लीजिएगा, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, हद से ज़्यादा 2 दिन का समय लग सकता है आपको टायर, जितना जल्दी हो सके डीलर आपको दे देगा टायर जेके कंपनी का टायर क्लेम करके। तो सब सब चीज़ को मिला के देखिएगा तो सबसे बेस्ट जेके का ही टायर रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको तो बता ही दिए आल्टो के 10 के लिए कौन सा टायर बेस्ट होगा, सब चीज़ आपके लिए बेस्ट होगा, इसमें वारंटी भी बढ़िया है और प्राइस भी कुछ खास ज़्यादा है नहीं इसका। आपको इसको ये मार्केट में आपको 3200 में आ जाएगा ये टायर, आपको मेरे यहाँ तो 3200 में आ जाता है, मार्केट में 150 से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 3200 में मेरे यहाँ टायर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।